1983 बैच की आईएएस अधिकारी आईएएस केशनी आनंद अरोड़ा ने हरियाणा की नई मुख्य सचिव के तौर पर अपना पदभार संभाल लिया है। केशनी आनंद राज्य की 33वीं मुख्य सचिव हैं और खास बात यह है कि वो अपने परिवार की वो तीसरी बेटी हैं जो हरियाणा के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी का जिम्मा संभाल रही हैं। अब तक देश में आईएएस वाला गांव या आईएएस वाला परिवार ही सुना जाता रहा है, लेकिन देश में ये इकलौता परिवार है जिसने देश को एक नहीं बल्कि कई चीफ सेक्रेटरी दिए हैं। आईएएस केशनी अरोड़ा की बेटी भी आईएएस है। हरियाणा के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की दो बहनें भी हरियाणा की मुख्य सचिव रह चुकी हैं। उनकी बड़ी बहन मीनाक्षी आनंद 8 नवंबर 2005 से 30 अप्रैल 2016 तक मुख्य सचिव रहीं, जबकि उर्वशी गुलाटी को 31 अक्टूबर 2009 से 31 मार्च 2012 तक मुख्य सचिव पद संभालने का मौका मिला। 1969 बैच की आईएएस अधिकारी मीनाक्षी और 1975 बैच की आईएएस अधिकारी उर्वशी यूपीएससी परीक्षा में देश के पहले 20 रैंकरों में से एक थी। 1983 में केशनी दूसरे स्थान पर रही। जब मीनाक्षी ने हरियाणा के मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाला तो वह ऐसा करने वाली पहली महिला थी। उसने अपनी बहनों के रास्ते पर चलकर सबसे खराब लिंग अनुपात और स्थानीय लिंग भेदभाव के लिए माने जाने वाले राज्य में उन्होंने ये मिसाल पेश की। 2009 में उर्वशी ने मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाला। मीनाक्षी और केशनी ने डॉक्टरों से शादी की, जबकि उर्वशी ने हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी से विवाह किया था। उनकी दो बेटियां प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां कर रही हैं, जबकि मीनाक्षी के बेटे मनीष चौधरी हरियाणा में आईपीएस अधिकारी हैं।